दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल परदेसी हो गया फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी, और साथ ही जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दिल परदेसी हो गया सन 2003 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में कपिल झावेरी, सलोनी अश्वनी, अमरीश पुरी, आशुतोष राणा, मुकेश ऋषि, प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, मुश्ताक खान, यूनुस परवेज और नवनी परियार नजर आए थे। इस फिल्म को सावन कुमार टक ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग श्याम गुप्ता ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 130 स्क्रीन्स के साथ 12 दिसंबर सन 2003 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,75,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 1,95,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 33,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 1,40,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2,70,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.9 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2003 की 52nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक उषा खन्ना ने दिए थे और इसके लिरिक्स सावन कुमार टक ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 9 गाने थे और इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने उदित नारायण ने गाए थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म का टाइटल पहले और कितने पाकिस्तान रखा गया था, लेकिन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए बाद में इसके टाइटल को बदल दिया गया था। नंबर 2, ये फिल्म म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना की आखिरी फिल्म थी। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।